गुप्ता जी, आपका वजन कितना होगा? अरे सर, तुमको हमारे वजन से क्या मतलब है? हमारे लिए कोई रिश्ता सेट कराओगे क्या? ना गुप्ता जी, रिश्ता तो ना सेट करने वाला, लेकिन जो आपका वजन टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ, तो आपके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लग सकती है। आप ऑटोग्राफ देते फिर सकते हो। मतलब ये कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी वाले आए थे, उनको अपने विज्ञापन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखवाना है। अच्छा, जिसके लिए वो लोग मॉडलों की तलाश कर रहे हैं, और उन लोगों को ऐसे मॉडल चाहिए जो बिल्कुल हट्टे कट्टे खाते पीते घर के हों। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, इवेंट की ऑडिशन की परमिशन तो मैं आपको दे देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये, आपके मॉडलों में से एक बंदा मेरा होगा। वाह! अरे बेटा, अब हमारा वजन बहुत ज्यादा थोड़ी है, मात्र लिटिल 79 kg बस। ओ अफसोस, 79 kg तो टर्म एंड कंडीशन के बहुत नीचे है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा गया था कि इस इवेंट में भाग लेने वाला मॉडल कम से कम 90 kg का होना चाहिए। 90 kg के ऊपर कोई लिमिट ना है। आप 150, 200, 400, 500, 1 ton कितने भी हो सकते हो, मगर 90 मिनिमम है। अरे जय भैया, हमारे पिंचू भैया तो है ना, इनकी लाइफ बना दो ना। पिंचू भैया, हम सही कह रहे हैं ना, 90 kg के तो आप 5 साल पहले होंगे। By God, touch wood. 90 kg तो मैंने कब से क्रॉस कर लिया, और मॉडल बनने के लिए मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं तब मॉडल बन सकता हूं। चल भाई, तू गोलगप्पा खिला चल। क्या बात है पिंचू भैया, क्या बात है। By God, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझ पे गया है। एक ना एक दिन आप भी ये पानी पूरी जरूर बेचोगे। गोलगप्पे वाले, तू गोलगप्पे खिला। रहन दे बांवरे, सबकी लाइफ नहीं होती है सेट होने के लायक। अच्छे अच्छे घमंड में चूर चूर हो जाते हैं। बाकी रही मॉडल की बात, तो आज इस धरती से मैं किसी ना किसी हाथी को उठा के मैं मॉडल बना ही दूंगा, जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगेगी, जो ऑटोग्राफ देता फिरेगा, जिसका शाहरुख के बंगले के बगल में स्विमिंग पूल वाला फ्लैट होगा। तो चलता हूं मैं। अरे पिंचू भैया, क्या कर रहे हो? पिंचू भैया, सोचो क्या आप एक बड़े से मॉडल बन गए। उसके बाद आपके पेपरों में बड़ी बड़ी फोटो लगी, उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगेगी, उसके बाद सारी लड़कियां आपको देख के एक ही बार बोलेगी, ओह ही सो हॉट, ही सो कूल यार, ही सो रियली रियली हॉट ना। अरे सोचो ढक्कन, जब तुम हिट हो जाओगे तो तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तुम भी कहोगे, अरे भाई इस लड़की की नाक ना हमें पसंद नहीं है, तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। हम तो कह रहे हैं ना भैया, तुम हीरो हो जाओगे, फिर पैसों की बारिश।
हाय 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 ये बिना डमरू के कहा इतना नाच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सपनों में खो गया था। अरे ढक्कन कपूर, जरा हसीन सपनों से बाहर आओ। और सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ये सपना सच हो, बस जाके अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो, क्योंकि भैया किसी ने बहुत सच कहा है कि अगर अपना काम निकालना हो ना तो गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। देरी मत करो बेटा पिंचू, फटाफट जाओ जीजा के पैर पकड़ो लपक के, जाओ जल्दी से। गाड़ी तो छिछोरे जय जीजा जी की है, लेकिन वो गए तो गए कहाँ? गए होंगे किसी लड़की को छेड़ने के लिए, और काम ही क्या बचा है उनकी लाइफ में। पिंचू, ऐसा क्यों लग रहा जैसे कि तू मुझे ढूंढ रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं क्यों ढूंढूंगा आपको, पर इत्तेफाक से आप मिल ही गए हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो ऑडिशन कहाँ हो रहा है, उसका एड्रेस क्या है, मेरा दोस्त जाना चाहता है। ओ देख भाई पिंचू, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि उस दोस्त का नाम पिंचू ही है, लेकिन ऑडिशन का एड्रेस मैं इतने आसानी से तो ना देने वाला। ओ नहीं नहीं, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद ही एड्रेस निकाल लूंगा और ऑडिशन देके स्टार बन जाऊंगा। बड़े है, कितना भोला भाड़ा है मेरा गोड़ू मोड़ू साले, इतना जा, तुझे जाना तो चला जा, एड्रेस निकाल ले, वहां पर हजारों के तादाद में लोग आए होंगे, दिन भर भूखे प्यासे धूप में तड़प तड़प के ऑडिशन देंगे, लेकिन फिर भी मॉडल का सिलेक्शन ऐसे ना हो पाएगा। पूछ क्यों? क्योंकि मॉडल तो वही सिलेक्ट होगा जिसके पास इंस्पेक्टर जय खन्ना की सिफारिश होगी। ठीक है, तू एक काम कर, जा होले एड्रेस निकाल ले, ऑडिशन दे आ जा। अरे 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 सुनो सुनो ना जीजा जी। हाँ जी, मैं तो भूखा प्यासा नहीं रह पाऊंगा, आप ही बात कर लो ना, आपके तो बहुत जुगाड़ है ऊपर तक। ठीक सर पिंचू, मैं तो जानता था जिसके पेट के अंदर आधा दिल्ली और पूरा गुड़गांव बसा हो वो बड़ा भूखा प्यासा कैसे बैठ सके। बड़ा मुश्किल होता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे जमीन से उठा के स्टार बना दूंगा, लेकिन तुझे भी मेरी एक मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? देख पिंचू, मैं जानता हूँ तू मुझ पर कोई खास भरोसा ना करे, लेकिन फिर भी मैं अपने वर्दी की अपने फर्ज की कसम खा के कहता हूँ, मैंने डिंपल के साथ कुछ भी गलत ना किया, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है, बस अपनी बेगुनाही में साबित ना कर पा रहा हूँ, तू बस किसी तरह से डिंपल से बात कर, उसे समझा, और ये ले ये ले ये तेरे लिए, जा वहां पर जब तुझे पहुंचना। ठीक है जीजा जी, आप मायूस मत हो, मैं डिंपल दीदी को सब समझा दूंगा और आपकी भी बात करा दूंगा। वाह भाई पिंचू वाह, बहुत बढ़िया, पढ़ना तो पड़ेगा, खाना टैलेंटेड है तू। कैसी आई चीजों पिक्चर्स दिखाओ? बहुत जबरदस्त, सही बता रहा हूँ भाई, तेरे अंदर तो धरती फाड़ के टैलेंट है। हाँ वो तो है, फिर भी कभी गमन नहीं किया। माय गॉड, घमंड नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। खैर ओ वाह भाई, ये फोटो तो देख। मसल देखो मेरे, मसल मसल वाकई में, बुशर्ट के अंदर से तेरे बाइसेप ट्राइसेप सिक्स पैक ते चेस्ट
फट के निकलना चाहते हैं जैसे। फट गया। डिंपल जी। जल्दी 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 चुप 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 जल्दी चुप चुप। पिंचू। पिंचू, my handsome boy. पिंचू। अरे, क्या है ये सब? कुछ नहीं दीदी, बस पिक्चर्स क्लिक करवा रहा था, अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करूंगा। पिंचू माय हैंडसम बॉय। प्रोफाइल पिक्चर के लिए इतनी मेहनत, सोशल मीडिया का राजकुमार। अरे वो सब तो ठीक है पिंचू, पर तेरी ये फोटोज खींच कौन रहा है? कहाँ है फोटोग्राफर? अरे दीदी, आज के जमाने में किसी और फोटोग्राफर की जरूरत नहीं है, बस खुद ही एंगल सेट करो और फोटो क्लिक करते जाओ। ये कैमरा किसका? ये कैमरा जय का है। क्या जय? जय जय तू जय जी से कैमरा लेकर आया ये? अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, विजय विजय। अरे प्यार से हम उसको जय बोलते। अरे क्या दीदी, जय जीजा जी ने इतनी घिनौनी इतनी गंदी हरकत की है, उसके बाद उनसे मैं मिलूंगा? पॉसिबल ही नहीं। उनका नाम सुनता ना मुझे तो थूकने का मन करता है। ओके फिर हम चलें। ओके बाय पिंचू। बाय बाय। मैं घिनौना, मैं छिछोरा हूँ, तुझे मुझे देख के थूकने का मन करता है। तू, मैं तेरा गड़ा दबा दूंगा, छोड़ूंगा ना मैं तुझे। अरे जीजा जी, मैं तो बस वही कह रहा था। अरे भाई कैसे कह सकता है तू? तू भूल गया हमने क्या डील करा कर रखी है? अरे जीजा जी सब याद है मुझे, जीजा जी सब याद है। आप मुझे एक बार स्टार मॉडल बनाओ तो सही, फिर देखो गिरगिट की तरह रंग बदल दूंगा मैं, गिरगिट की तरह। दिन में 36 बार तारीफ करूंगा डिंपल दी से आपकी। ओ पिंचू। हाँ पापा जी। जल्दी छुप जाओ यार। किथे यार तू? हाँ पापा जी। ओए यार तू किथे गया यार? अरे पापा जी इत्थे इत्थे। किथे? अरे इत्थे मुड़ो मुड़ो। ओए किधर रह तू यार? इत्थे। ओए यार जब से ना उसने मेरी आंख में रूम फ्रेशनर चौका है ना, तब से मेरी आंखों का पैकअप हो गया यार, कुछ दिखाई नहीं देता, खोल ही नहीं पाता आंख में। काम कर, परछाई जी किथे ने? छेती बुला के ला, मेरी आंखें वो, और मैं उनकी आंखों के थ्रू ना मूवी देखना चाहता हूँ। ओ हाँ, कपूर पापा को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी डर रहा हूँ। ठीक है पापा जी, मैं अभी जाके आपकी आंखें लेके आता हूँ। मेरा मतलब है आंटी जी को लेके आता हूँ। जा छेती जा। पापा जी संभल के, आगे सोफा है, टकरा जाओगे। ओए यार डरा क्यों रहा है तू मेरे को? ओ सोफा ही है ना, शेर थोड़ी ना। अब मेनू सोफे बिठा दे। हाँ हाँ आओ पापा जी आओ। इत्थे इत्थे इत्थे। अरे इत्थे इत्थे नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक है पापा जी। ओके मैं अभी आता हूँ। आई हो गया मेरे अखाणु यार। बब्बर, अरे ससुर ये मरे हुए गिलहरी की तरह मुंह लटकाए हुए कहां जा रहे हो? ए गुप्ते, ए खबरदार, जो मेरी शकल के बारे में अगर कुछ भी बोला ना, ये बालकनी तोड़ के पेड़ से लटका दूंगा तुझे। अरे क्या हुआ बब्बर भैया, आप तो एकदम भरे बैठे। अरे शांत हो जाइए ना, आइए हम आपको गोल गप्पे खिलाते, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे नहीं खाने तेरे गोल गप्पे। अरे शांत हो जाइए ना बब्बर भैया, मुफ्त में खिला देंगे। ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। अरे मन में जितना हो इतना खाइए। एक भाई पिंचू,
तेरी और मेरी एक डील साइन हुई है, दोस्ती की डील। मैं तेरा पूरा ख्याल रख लूंगा, बस तू घर में मेरा इंप्रेशन सेट कर। अरे फिकर नॉट जीजा जी, फिकर नॉट, मैं हूँ ना, बस आप मुझे ना ऑडिशन में पास करा दो, फिर देखो हर तरफ आपकी तारीफें गुंजेगी, तारीफें। ओहो, तो ये डील हो रही है कीजिया और साले के बीच। तो मतलब ये है कि आज तुम जो है ना स्टार होने वाले हो। अरे स्टार तो तब बनूंगा ना जब सिलेक्शन होगा मेरा, और सिलेक्शन होने के लिए प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है, और हमारे जीजा जी है ही इतने बदनाम कि उन्हें कोई घर में घुसने ही नहीं देता। अरे पिंचू भैया स्पीकर मत करो, आप एक काम करो गुप्ता जी के घर पे ना प्रैक्टिस कर लो। हे बावरे, पगला गया है क्या है? अरे हमारा जो गेट है ना इतना लिटिल है, और ये जो ढक्कन है ना वो इसमें नहीं घुस पाएगा। अरे कोई बात नहीं गुप्ता जी, मैं टेढ़ा होके घुस जाऊंगा और पेट अंदर करके। अरे बेटा क्या है ना ढक्कन, ये जो हमारी फर्श है ना बड़ी नाजुक है, और तुमको इस पे लाद के ना हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कौन करेगा मेरी मदद? पिंचू मेरे घर में कर ले प्रैक्टिस। सच्ची? ना कोई जरूरत ना है, जिसकी वजह से मैं चोरों की तरह यहाँ वहां छुपा फिर रहा हूं, हम उसके घर में ना घुसेंगे। जय तुझे याद बचपन, अरे बचपन में जब हम छोटे छोटे थे हमने कसम खाई थी कि अगर हमारी कच्ची हो गई तो 4 घंटे के अंदर अंदर हम उसको मट्टी कर देंगे। ओ, नहीं दोस्त, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, नहीं रहा जाता, चल घर चल। रे ससुर इसको क्या हुआ, वो चीता काट गया क्या? नहीं गुप्ता जी, इनके यारी दोस्ती को देख कर रहा, हमें हमारे दोस्त की याद आ रही है। अच्छा पता, गांव में हमारा एक दोस्त था, उसका नाम विनोद था, दोस्ती के खातिर वो सावरा था और मैं बावरा था। तो सावरे और बावरे की जो दोस्ती थी ना पूरे गांव में बहुत फेमस थी। फिर पता नहीं किसी की एक काली नजर क्या लग गई, हम दोनों दोस्त बिछड़ गए, अलग हो गए। इसलिए जय भैया आपको आपके इस दोस्त, इस दोस्ती के एलिमेंट की कसम, माफ कर दो, इनको माफ कर दो, बब्बर भैया को माफ कर दो। आई बब्बर चल रोना बंद कर दे, मैंने तुझे माफ किया। जय तो फिर आ लग जा गले, लग जा, चल चल तो जा भाई रोने। ए पिंचू तुझे जितनी प्रैक्टिस करनी है ना, जितनी प्रैक्टिस करनी है आ मेरे घर में आके कर। चलो 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 चल जाए चल। बावरा खुश रहियो। क्या ताका झाकी कर रहे थे? अरे बाबा जी हम लोग प्रेम जी पर नजर रख रहे थे, वो तो डिंपल जी के कमरे में ही घुसे हुए हैं। घुस के क्या कर रहा है? अरे बाबा जी आपका शक एकदम सही निकला, ये तो अपनी ही सेटिंग करने में लगा हुआ है। बाबा जी वो डिंपल का मस्का लगाने में लगा हुआ है, वो किशन जी का उसने भांडा टच तक नहीं किया तो फोड़ेगा क्या खाक। शाबाश शाबाश सुंदर सुशील, अपने पापा के कर्मों पर नजर रखते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे इन्हें कुछ मत बोलो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हमने तुम्हारी गोटी इसलिए यहाँ फिक्स की थी कि तुम किशन का भांडा फोड़ोगे,
तुम्हारी शादी में नागिन डांस करने के लिए हम उतावले नहीं हो रहे हैं। रिलैक्स भोकाल, मेरी मंजिल आपकी मंजिल से होके गुजरती है। पहले किशन का भांडा फूटेगा, उसके बाद डिंपल मेरी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.